गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का श्योर 60 पर स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। 9 चैप्टर का हमने कुछ सेक्शन डिस्कस कर लिया ना, कुछ सेक्शन छूटा हुआ है। तो कुछ छूटा हुआ सेक्शन जो है वो हम कल कल फ्राइडे है, कल भी डिस्कस कर लेंगे, या कल आप छुट्टी चाहेंगे तो कर सकते हैं। हालांकि सैटरडे को आपको छुट्टी रहता है तो फ्राइडे तक तो क्लास कर ही लेंगे। हाँ, तो फिर सैटरडे आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड ऑफिशियल सिंबल्स ऑफ स्टेट एंड इंडिया बोथ। इसमें हम हैंडीक्राफ्ट भी आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टेट के हर स्टेट अपना एनिमल अनाउंस करे कोई जरूरत नहीं, हर स्टेट अपना फ्लावर अनाउंस करे कोई जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं? जैसे आपको कुछ स्टेट का दिखेगा कि नहीं है, ये तो एनिमल तो है लेकिन फ्लावर नहीं है, और कुछ स्टेट का है ही नहीं, तो एक्चुअल में उनके पास है ही नहीं। तो इसलिए आपने वो परेशानी होना कि 35 के 35 का क्यों नहीं है बुक में, उतने ही हैं जितने हैं, पूरा गूगल छान मारेंगे मिलेगा ही नहीं। क्यों? मेरी भी इच्छा हुई यार, बिहार तो लिखा है, छत्तीसगढ़ नहीं लिखा है। तो फिर गूगल करते करते फिर अचानक सोर्स मिला कि नहीं जी, कुछ राज्यों ने अभी अपने आप को अनाउंस नहीं किया है। तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना, आएगा तो उसी में से आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास नेशनल, पहला क्या है? फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग को जो भारत ने नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया था, वो दिया था 22 जुलाई 1947। ये कई बार आता है डेट कि कितने तारीख को हमने एक्सेप्ट किया था। और सब कुछ आप जानते हैं कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, अशोक चक्र में 24 स्पोक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? गति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रियाशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और पहले अभी पढ़ेंगे कि पहले जो गांधी जी का चरखा था वो था, फिर बाद में भी हम आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जस्ट उसको हटाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले ये जो कलर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये कलर रिलीजन को रिप्रेजेंट करते थे, मिलेगा भी, लेकिन अब हमने उसका मीनिंग बदल दिया है। यूनिटी को दर्शाने के लिए तीनों कलर शामिल किया गया था। तो हमने कहा इट वॉज एडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947 एंड बिकम द ऑफिशियल फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947। तो डेट पूछा जाएगा तो यही करिएगा कि कब हमने इसे नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया है, कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947, यही वाला आता है। द फ्लैग वॉज सब्सिक्वेंटली रिटेन्ड दैट द रिपब्लिक डे, हटा दीजिए। और फ्लैग इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग, अ फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिजाइन बाय द पिंगले बैंकेया। खूब आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय फ्लैग को किसने बनाया है, किसने डिजाइन किया है। बाई द लॉ द फ्लैग इज मेड ऑफ द खादी, द स्पेशल टाइप ऑफ हैंड स्पून क्लॉथ और सिल्क मेड पॉपुलर बाई महात्मा गांधी। द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द फ्लैग इज लेड आउट बाई द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के द्वारा ऑथोराइज है या दर्जा प्राप्त है या मानक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। द राइट टू मैनुफैक्चरिंग द फ्लैग हेल्ड बाई द खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। Who allocates its regional group? As of 2009, Karnataka Khadi Gramodyog Samukta Sangh has been the sole manufacturer of flag. है ना, ये एक important प्रश्न बन सकता है कि कहाँ से बनता है, जब आएगा तो हमें लगेगा ऐसा भी होता है क्या, हम तो हर जगह देखते हैं बन जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक खास जगह पे हमने इसको authorized कर रखा है। Uses of फ्लैग गवर्नमेंट बाय द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एंड अदर लॉज रिलेटिंग टू द नेशनल एम्बलम, है ना। तो ये भारत सरकार के कानून के तहत ही संचालित होते हैं। द ओरिजिनल कोड वॉज पब्लिश बाय द प्राइवेट सिटीजन एक्सेप्ट ऑन नेशनल डे एंड सच एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द पब्लिक। बेसिकली एक व्यक्ति थे जिंदल, नवीन जिंदल, इन्होंने कोर्ट में केस लड़ा कि फ्लैग तो सबका है, सभी लोग फहरा सकते हैं। तो उसके बाद 2002 में सरकार ने, कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन के तहत हमें आपको फहराने का दर्जा दे दिया है। जैसे फ्लैग गंदा नहीं होना चाहिए, फ्लैग पे कुछ लिखना नहीं चाहिए, फ्लैग रात को नहीं फहरेगा, रात को फहरेगा तो उस पर लाइटिंग होना जरूरी है। तो बने बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द लॉ एंड फ्लैग यूजर्स बाई प्राइवेट सिटीजन ऑल्सो, मतलब अब हम और आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और इसके बाद सभी के लिए कानून बनाया गया और 2005 में कुछ इसमें परिवर्तन किया गया, और फिर उसे समय समय पर संशोधित करते रहते हैं, प्रोटोकॉल और ये सब कोई जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द इंडियन फ्लैग हैज रेशियो ऑफ 2:3,
2:3 का मतलब ब्रेथ एंड लेंथ है। कई बार एग्जाम में उल्टा कर दिया, जैसे हमारा एक क्वेश्चन आएगा वहां पे आंसर इसका गलत दे दिया गया, क्योंकि जिसने प्रूफ रीड किया उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उसने पढ़ा था, हमने तो पढ़ा 3:2, उन्होंने 2:3 करके क्वेश्चन को ही मीनिंगलेस कर दिया। अभी आएगा वो क्वेश्चन। तो हमने कहा कि लंबाई 3 होना चाहिए और ब्रेथ 2 होना चाहिए, और तीनों का जो ये कॉम्बिनेशन है इक्वल होना चाहिए। द साइज ऑफ अशोक चक्र इज नॉट स्पेसिफाइड ऑन द फ्लैग कोड बट इट हैज बीन 24 स्पोक्स दैट आर इवनली स्पेस्ड, समान दूरी पर होने चाहिए। गांधी फर्स्ट प्रपोज द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921। क्लियर है कि पहली बार किसने इसकी विचारधारा दी, तो गांधी जी ने दिया, और कब दिया, 1921 में। फ्लैग वॉज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया, ये हो ही गया आपके पास। अब ये तीन किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेज और सेक्रीफाइसेस को, साहस और बलिदान को कौन सा कलर, सेफ्रॉन। पीस एंड ट्रूथ को कौन सा, व्हाइट। और फेथ एंड चैवरली रिस्पेक्टिवली, विश्वास और शिष्टता को। तो तीनों कलर अलग अलग चीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ेंगे आप कि हिस्टोरिकली इसका कुछ और मीनिंग था। इन अप्रैल 2021 महात्मा करमचंद गांधी वाज रोट द जर्नल यंग इंडिया अबाउट द नीड ऑफ इंडियन फ्लैग एंड प्रपोजिंग द फ्लैग विद द चक्रा और स्पिनिंग व्हील ऑफ द एट द सेंटर। क्लियर है। द आइडिया ऑफ स्पिनिंग व्हील वाज पुट बाय द लाला हंसराज, ये चीज भी आपके लिए जरूरी है। एंड द गांधी कमीशन पिंगली वेंकैया टू डिजाइन द फ्लैग विद द स्पिनिंग व्हील ऑन द रेड एंड ग्रीन बैनर, द रेड कलर सिग्निफाइंग द हिंदू एंड द ग्रीन कलर वाज द सिग्निफिकेशन ऑफ मुस्लिम। गांधी वांटेड टू फ्लैग टू प्रेजेंटेड द कांग्रेस सेशन इन 1921 बट इट वॉज नॉट डिलीवर्ड ऑन द टाइम एंड अदर फ्लैग वॉज प्रपोज एट द सेशन। गांधी लेटर रोट दैट द डिले वॉज फॉर्च्यून सिंस इट अलाउज हिम टू रियलाइज दैट देयर रिलीजन वेर नॉट रिप्रेजेंटेड। करें संयोग से अच्छा रहा, हमने इसको नहीं फहराए। ही देन एडेड वाइट एट द बैनर कलर टू रिप्रेजेंट ऑल अदर रिलीजन। शुरू में समझ पाए, लाल हिंदू को, ग्रीन मुस्लिम को और बाकी के लिए व्हाइट में रिप्रेजेंट किया गया। फाइनली ओइंग ऑफ द रिलीजियस पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी इन 1929 गांधी मूव टुवर्ड द मोर सेकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्लैग कलर स्टेटिंग दैट द रेड स्टूड ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ द पीपल, व्हाइट ऑफ द प्यूरिटी एंड ग्रीन ऑफ द होप। तो बाद में उन्होंने 1929 में इसके मीनिंग को चेंज कर दिया है। And on April 1923, during the procession of the local Congress volunteers, Nagpur commandeering the Jallianwala Bagh massacre and the Swaraj flag with the spinning wheel designed by the Pankaj was the hoisted. In the first time, we were successful in 1923. Mein. A few days before India gained the independence, August 1947, the Constitutional Assembly was formed. He told us that 22 July 1947. Ko. To select the flag independence was on 23rd June 1947, the assembly was set up an ad hoc committee in the temporary committee. Ye aata rehta hai ki jhanda samiti ka chairperson kaun tha flag committee ka, to humne kaha Dr. Rajendra Prasad the, including Maulana Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, C. Rajgopalchari, K. M. Munshi, Bhimrao Ambedkar, and it was the members. Ye log uske sadasya the. Main bhi puch le ki kaun member nahi tha, तो आपको इसको भी मार करके रखना है। द इंडियन फ्लैग फर्स्ट स्टैम्प वाज इंडिपेंडेंट इंडिया वाज रिलीज्ड ऑन 21 नवंबर 1947 वाज मीन द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस। हमने जो पहला डाक टिकट तिरंगे वाला बनाया है वो कब बनाया, 21 नवंबर 1947 को। ऑन 14 जुलाई 1947 द कमिटी रिकमेंडेड द फ्लैग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सेप्टेड बाई ऑल पार्टीज एंड कम्युनिटीज। इट वॉज ऑल्सो रिजॉल्व द फ्लैग शुड नॉट हैव any communal undertones. The spinning wheel of the Congress flag was replaced by the chakra from the lion capital of Ashoka. है ना, अशोका स्तंभ से हम चक्र को लेकर के आ गए। According to the Sarvepalli Radhakrishnan, the chakra was the chosen as it was the represent the dhamma and law. अब ये भी अच्छा पॉइंट है, मैं वहां पे क्या कह रहा था, गति और मोशन को, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। And the privilege of flying the national flag or bikal is restricted to the president, vice president, prime minister, governors and lieutenant governor of state, chief minister, union minister,
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड फ्लैग ऑफिसर ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, यही लोग अलाउ हुए। हम और आप सोचे कि लेके चलें तो अलाउड नहीं है गाड़ी के बाहर। द फ्लैग हैज फोन द स्टाफ अफेक्ट फैमिली आइदर ऑन द मिडिल फ्रंट ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द कार, कि किसी कर्मचारी को दिया जाता है तो मध्य मोर्चे पर कार के सामने दाई और मजबूती से चिपका दिया जाता है। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति आएगा यात्रा करता है तो ध्वज को कार के दाई और फहराने से, जबकि विदेशी झंडे के बाई और, यानी हाँ यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इन्हीं के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी के लिए मतलब नहीं है अलाउ, मैंने नहीं ये क्षेत्र प्रतिबंधित है लेकिन कुछ लोग के लिए प्रतिबंधित नहीं है ऐसा, ये उल्टा दिखा रहा है। हाँ मतलब जो भी ये आप दूसरे देश से ले लिया फोटो लेकिन लग तो रहा है इंडिया का ही, इंडिया का है। कोई बात नहीं, ये मतलब उल्टा दिया हुआ है। हाँ अन्य झंडे के साथ फहराए तो सामान्य नियम यह है कि भारतीय झंडे को केंद्र में रखना होगा, बाकी लोग यदि देश में हैं तो इंडिया का सेंटर में और बाकी लेफ्ट या राइट में रखेंगे। जब झंडे को सीधी रेखा में रखा है तो दाहिनी झंडा, ये सब हटा दीजिए, एक सर्कल में रखा है तो पहला होगा, पढ़ लीजिएगा। चलें स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। अब यहाँ से पूछा जाता है कितने शेर हैं, चार हैं, एक समय तीन ही दिखेगा, और क्या है, बुल है और हॉर्स है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है और यहीं से लेके गए वो चक्र। तो द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया नेशनल एम्बलम ऑफ रिप्रेजेंट अशोक चक्र ऑफ 250 BC, फोर लायंस ईच फेस ऑफ फोर डिफरेंट डायरेक्शन नेमली नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका वाज इनिशियली अडॉप्टेड द एम्बलम ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1947। द करेंट वर्जन ऑफ एम्बलम वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। मैक्सिमम को हम 26 को ही अपनाएंगे, एक आएगा 24 जनवरी को, तो बस याद रखिएगा। अभी फ्लैग वाला तो आपको याद रहेगा ही, 22 जुलाई 1947, ठीक है। द टास्क ऑफ ब्यूटिफाइंग द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाई टू नंदलाल बोस, जो ओरिजिनल थे वो किसको दिया गया था, नंदलाल बोस को। बोस सेट अप टू द कंप्लीट ऑफ दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ हिज स्टूडेंट, वन ऑफ होम वॉज दीनानाथ भार्गव, 21 ईयर ओल्ड थे तभी ये कर गए, 26-27 के हो गए तो नहीं करते, तब इनको लगता कि नहीं हमारा टाइम खराब हो रहा है। बोस वॉज नीड टू इंक्लूड द लायन कैपिटल अशोका इन टू द ओपनिंग पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉन्टिंग द लायंस टू बी डेडिकेटेड रियलिस्टिकली ही चूज भार्गव हु स्टडीड द बिहेवियर ऑफ द लायंस एट द कोलकाता जू ऑन 26 जनवरी 1950। इट वॉज अडॉप्टेड द, अब देखो ये कैसे आएगा कि किन दो लोगों के प्रयासों से बनाया गया था, इस तरीके के क्वेश्चन। मेरा चश्मा कहीं दिख रहा है क्या, क्योंकि ये टीवी के तरीके से आंखों पर रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है, टूटो फेंकता रहता है यार। कोई बात नहीं, एक बार ड्रोल में देख लेना उधर वाले में, हाँ उधर ऐसे। द एम्बलम फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखते ही हैं है ना, जो कोई मंत्री होता है या आ जाओ तो वो वहां पर यूज करता है लेटर हेड पे ऊपर की तरफ। एंड द अपीयर्स ऑल इंडियन करेंसी एज वेल एज, भारत के मुद्रा पर भी इसका उपयोग किया जाता है प्रदर्शित करने के लिए। चले अच्छा बताइए, करंट जो थियरी वाइज दे रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो उसको भी मैं सामने खोल के एक एक लाइन पढ़ा करके एमसीक्यू करा सकता हूँ, सही रहेगा, हम तो अपने से पढ़ेंगे नहीं है ना, ठीक है उसको पीपीटी में डलवा देंगे फ्राइडे को या किसी एक दिन रख दिया करेंगे, 3 घंटे में पूरा हो जाया करेगा।
सैटरडे को तो आप पूरे दिन टेस्ट में ही बिजी रहते हैं, रात को कर लीजिए, ये भी सही है। बारह नहीं, उस समय नहीं, 12-12:30 बजे। लेकिन कम से कम 10 लोग चाहिए, नहीं मोबाइल मिल गया तो कह जिसे आप पढ़ा लो सर, हम बाद में देख लेंगे। हाँ चलो, एक आपसी सहमति बना लेंगे, 8-10 नाम रहेगा, ऐसे ही कराऊंगा। और करेंट को मैं थोड़ा इलुबरेट भी कर पाऊंगा, वो मेरा अपना फील्ड है। हाँ संडे को टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपस में डिस्कस कर लेंगे। हाँ एक सोच रहे हैं इस बार, नहीं अभी आपकी सहमति जरूरत है, इस बार सैटरडे को आप देंगे तो ठीक है फिर, क्योंकि कल मैं देखा कुछ लोग के टेस्ट में 70 नंबर भी आ रहे हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊं, 55-35 भी आ रहे हैं, तो बड़े दुख हो रहा था। मैं क्या बोले, और उनसे पूछ लो तो उनको इसी बार करना होगा, उनको कह दो कोई बात नहीं आराम से कर लो ठीक से, कोई 35 वाला को तो बुरा मत मान देना भाई, कर सकते हैं अभी भी। लेकिन यदि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि टाइम लगेगा तो आपको ये प्रेशर भी नहीं रहेगा और आपका जो टाइम होगा अच्छे से यूज कर पाओगे। मान लो मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता तो मैं सोचूं 15 दिन में सीख ही जाऊंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे मतलब थोड़ा ही मैं बोल रहा हूँ लेकिन है ज्यादा। खैर, इट ऑल्सो फंक्शन एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इन मेनी प्लेसेज एंड द अपियर्स प्रोमिनेंटली ऑन द इंडियन पासपोर्ट, है ना। द अशोका चक्रा इन ऑट्स ऑन इट्स बेस फीचर इज द सेंटर ऑफ नेशन ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो पढ़े लिए, इसमें कुछ खास है नहीं, ये तो बैल और मोहर से ही है तो आप कर ही लेंगे। और 3 सेट दिखाई देते, चौथा छिपा होता है, कड़ी मेहनत और ये सब। अबिकस के नीचे द बेल शेप्ड लोटस बिनेथ द एबेकस हैज बीन ओमिटेड। अबिकस के नीचे घड़ी के आकार का एक कमल भी दिखाई देता है, ये ठीक है। अच्छा हाँ, ये किसको किसको रिप्रेजेंट करते ये देख लेना। बैल किसको रिप्रेजेंट करता है, द बुल रिप्रेजेंट द हार्ड वर्क एंड स्टेड फास्टनेस, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि हॉर्स रिप्रेजेंट द लॉयल्टी स्पीड एंड एनर्जी, है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सत्यमेव जयते तो आप जानते ही हैं कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। 2 उपनिषद, एक मुंडको एक मांडुक्य है, मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है और ये मुंडको से बात हो रही है। तो कई बार एग्जाम में तो कंफ्यूजन हो गया, जैसे सबसे बड़ा उपनिषद बृहदो उपनिषद, नाम से ही क्लियर है, और सबसे छोटा मांडुक्य, सॉरी ये किसे लिखा है, मांडुक्य और मुंडको। हाँ ये मांडुक्य है और वो है मुंडको, हाँ लिखा है लेकिन मांडुक्य है ये, एक होगा ओ मांडुको, दोनों अलग अलग, तो ये मांडुक्य है। ये नेशनल लाइन क्या है, मोटो क्या है, तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और कहां से लिया गया हमने बता दिया, ये भी कब एक्सेप्ट किया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। और किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी में लिखा गया, तो हिंदी में लिखा गया तो किस लिपि में होगा, देवनागरी लिपि में होगा। और इसके किसके द्वारा इसे फेमस बनाया गया, तो 1918 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेशनल एंथम हमारा जनगणमन, इसमें डिटेल पढ़ना होगा। और किसके द्वारा बनाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, भारत भाग्य विधाता। थोड़ा बहुत जानते होंगे किसके सम्मान में लाया गया था ये, 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को। सभी चीज लगभग 26 जनवरी को है, ये अलग है और फ्लैग वाला अलग है। July 1947 को, और जो हमारा नेशनल कैलेंडर है तो ये कुछ कुछ अलग है, अलग ही सभी एक करके आएगा तो आपके पास खुद ही डाटा कलेक्ट होता चला जाएगा। इट वॉज द फर्स्ट पब्लिकली सॉन्ग इन 27 दिसंबर 1911, दोनों के दोनों कोलकाता में ही गाए गए हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 1911 में गाया गया है और वो 1896 में गाया गया था। और ये बेसिकली जो जॉर्ज पंचम भारत आ रहा था उसके सम्मान के लिए गाया गया था ये,
कि आप भारत के भाग्य विधाता हैं और आपकी जय हो जय हो जय हो। बाद में हमने इसको क्या किया कि इसको आजादी के बाद हमने भारत के लिए इसको यूज कर दिया है। इतना थोड़ा बहुत जानते थे शायद, भारत के लिए नहीं लिखा गया था, भारत भूमि के लिए नहीं लिखा गया, वो जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिकली क्रिएटेड द सेकेंड डे ऑफ द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 27 दिसंबर 1911। देन इट वॉज फॉलोड बाय जनवरी 12 द एनुअल इवेंट ऑफ द आदि ब्रह्मो स्वराज। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहां पर पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया, कौन समाज के द्वारा, आदि ब्रह्मो समाज। इट वॉज लार्जली अननोन एक्सपेक्टेड टू रीडर ऑफ द आदि ब्रह्मो समाज जर्नल तत्वबोधिनी पत्रिका। तो इन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी थे, करें बाकी लोग लग के लिए लगभग ये अज्ञात था। द पोएम वॉज पब्लिश ऑन फरवरी 1905 अंडर द भारत भाग्य विधाता इन द तत्वबोधिनी पत्रिका विच वॉज द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द ब्रह्म समाज विद द टैगोर एंड द अदर एडिटर। तो ये क्वेश्चन भी शायद यूपीएससी में आया है, लेकिन कभी भी एसएससी में भी आ सकता है। कहाँ पे प्रिंट हुआ पहली बार? तत्वबोधिनी पत्रिका में। इन 1912 द सॉन्ग वॉज परफॉर्म बाय सरला देवी। ये अभी आया है टीसीएस में कि किस लड़की महिला के द्वारा पहली बार गाया गया, शायद आपके टेस्ट में भी आया है, नहीं आया होगा तो आने वाला है। सरला देवी चौधरानी टैगोर नीस, यही क्वेश्चन था कि किसके द्वारा गाया गया था। अलोंग विद द ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द प्रोमिनेंट कांग्रेस मेंबर्स लाइक बिशन नारायण धर, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड अंबिका चरण मजुमदार। आउटसाइड ऑफ कलकत्ता द सॉन्ग वॉज फर्स्ट सॉन्ग बाय द बार्ड हिमसेल्फ एट द सेशन इन एनी इन बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज मंडापल्ले आंध्र प्रदेश व्हेन टैगोर वॉज विजिटेड टू द कॉलेज। तो कोलकाता के बाहर हमने पहली बार इसे कहां पर? आंध्र प्रदेश में। द सॉन्ग वॉज सिलेक्टेड नेशनल एंथम बाय सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है कि पहली बार इसका प्रपोजल किसी, जैसे तिरंगे को किसने प्रपोज किया था? गांधी जी ने। तो इसको किसने प्रपोज किया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने, जब वो जर्मनी में कि हम आजाद होते हैं, तो जैसे वहीं से उन्होंने जर्मनी से ही कहा कि हे राष्ट्रपिता मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और वहीं से गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता वर्ड का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जबकि बताते हैं दोनों में वैचारिक मतभेद बहुत थे, रिस्पेक्ट भी बहुत थे एक दूसरे के लिए। तो वो वहीं पे इन्होंने ये प्रपोजल भी दिया है कि हाँ यदि हम आजाद होते हैं तो हमेशा अपना नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इन द ओकेजन ऑफ फाउंडिंग मीटिंग ऑफ द जर्मन इंडियन सोसाइटी ऑन सितंबर 11, 1914 द होटल अटलांटिक इन हैम्बर्ग जनगण मन वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द हैम्बर्ग रेडियो सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा एज द नेशनल एंथम ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी अच्छा पॉइंट बन सकता है। बिफोर इट ऑफिशियली बिकम द नेशनल एंथम इन 1950 जनगण मन वॉज हियर्ड इन फिल्म हमराही। समझ पा रहे हैं? नेशनल एंथम बनने से पहले ही एक मूवी में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। और दून स्कूल के द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दून स्कूल आपको पता हो, इंडिया का सबसे महंगा स्कूल, राहुल गांधी जैसे सभी टैलेंटेड लोग वहां पढ़ के आए। चौदह अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भी इसे गाया गया, और 1947 में इसका इस्तेमाल किया गया नेशनल। अच्छा ये तो पता ही होगा कि राष्ट्रगान कितने मिनट के लिए होता है? 52 सेकंड के लिए। ठीक, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, माँ मैं आपको नमन करता हूँ, आई बोद दी। और किसके द्वारा? बंगाली पोएम पोएट बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा इन हिज बुक बंगाली नोवेल आनंद मठ। और पहली बार गाया किसके द्वारा ये है? तो देख लो, आएगा तो पक्का गलत करेगा आदमी, नहीं कहीं ये तो नहीं होगा, इन्होंने तो राष्ट्रगान का लिखा है। इन 1896 में पहली बार कोलकाता सेशन में इसको गाया गया है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र है,
और सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया पहला विद्रोह है, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह यदि पूछा जाए तो। द फर्स्ट टू वर्सेज ऑफ सॉन्ग वेर एडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग इन अक्टूबर 1937 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रॉट द इन ऑफ द कॉलोनियल इन अगस्त 1947 एंड ओड द मदरलैंड इट वॉज रिटन इन बंगाली स्क्रिप्ट ऑफ द नॉवेल आनंद मठ। द टाइटल बंदे मातरम मीन्स आई प्रेज द मदर, आई प्रेज द मदर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसने भारतीय राष्ट्रीय में आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसमें कुछ भी काम का नहीं है यहाँ पर। हाँ, जब बंगाल विभाजन कर दिया कर्जन ने तो एकता के लिए इसका काफी इस्तेमाल किया गया। ऑन 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका भी 24 ही दे दिया है, नहीं इसको 26 करना। 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इंडिया वाज एडॉप्टेड द बंदे मातरम एज ए नेशनल सॉन्ग ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद स्टेटेड दैट द सॉन्ग शुड बी ऑनर्ड इक्वली विद द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। However, the Constitution of India does not have any mention of the national song. ना तो national song, ना तो national anthem कहीं भी Constitution में सबका जिक्र नहीं है। कौन से article में है बता फिर। The first two verses of the song are abstract reference. मैं polity पढ़ाया हूँ दोबारा से। The first two verses of ये हो गया और जनगण मन को हम 52 सेकेंड में करते हैं, इसका 101 मिनट 6 सेकेंड है। हाँ वैसे नहीं है एग्जैक्ट टाइम। हाँ इसका बंद जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो पूछता है किसने किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने इसे बंदे मातरम को उर्दू में ट्रांसलेट किया। इसकी बात को हम अच्छा कर देते हैं जो ये कहना चाह रहा था। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा गया है कि हमें अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रगीत वर्ड का यूज नहीं किया गया, तो कुछ मुस्लिम इसी का विरोध करते हैं कि संविधान में नहीं लिखा गया तो हम कैसे करें। तो हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं कि नहीं, देश के प्रति तुम्हें समर्पण रखना होगा। तो बेसिकली इस्लाम कहता है कि हम किसी भी शक्ति को पूज नहीं सकते अल्लाह के अलावा, तो इस्लाम है तो ठीक है, हमें मानना पड़ेगा। और यदि गाने से यदि देशभक्ति चूज कर रहे हो तो हाँ, आप मुझे बिना देशभक्त के कह सकते हो, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। इन्होंने कहा कि हम भी देश के लिए जान देते, मुस्लिम लोग भी सेना में है शायद, कलाम जी भी मुस्लिम ही थे, लेकिन कुछ बदतमीज उसको बांटने डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल करेंगे अच्छे से। बेसिकली इस्लाम अलाउड नहीं करता है अल्लाह के अलावा किसी भी शक्ति को पूजने के लिए, तो इसलिए कुछ गलत नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसीलिए संविधान सभा ने भी सोच समझ के नेशनल एंथम वर्ड मेंशन किया, नेशनल सॉन्ग वर्ड नहीं मेंशन किया, क्योंकि भारतीय संविधान के हिसाब से भारत भूमि माता है ही नहीं, कहीं भी मेंशन ही नहीं, लेकिन हमने आस्था के रूप में भूमि को माता का दर्जा दे रखा है। क्या कोई बात नहीं, ये बात भी सही है कि फंडामेंटल ड्यूटी तो था ही नहीं, तो लेकिन बाद में भी हमने शामिल तो नहीं किया। आप सही कह रहे हैं, बंदे मातरम में कुल कितने छंद होते हैं, 6 और हम शुरू के 2 का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसे पहली बार किसमें, अरबिंदो को, श्री अरबिंदो के द्वारा किसमें, कर्मयोगिनी में, और उसे किसमें था, तत्वबोधिनी मैगजीन था, और ये कर्मयोगिनी पत्रिका थी। रविंद्र टैगोर संग बंदे मातरम इन 1896, ये बता ही दिया, कलकत्ता कांग्रेस सेशन, दक्षिणा चरण सेन संग इट 5 ईयर लेटर इन 1901 एंड अनदर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन कलकत्ता। पोएट सरला देवी चौधरानी संग द सॉन्ग इन द बनारस कांग्रेस इन 1905। शायद यही क्वेश्चन था, किस महिला ने पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया है, तो वहां पे तो उनकी भतीजी ने गा दिया है,
यहाँ पर हैं पोएट सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार इसे बनारस सेशन में गाए गए। सेमी नाम है दोनों, सही है फिर तो अपने काम बेहतर हो गए। लाला लाजपत राय स्टार्टेड द जनरल काल द वंदे मातरम फॉरम लाहौर, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं हिस्ट्री में कि वंदे मातरम मैगजीन कौन निकालता था या जनरल कौन निकालता था। हरिलाल सेन मेड इंडियन फर्स्ट पॉलिटिकल फिल्म इन 1905 विच वॉज इंडेड विद द चैन, जो अंत हुआ है ना मूवी का, महात्मा सॉरी मातांगनी हजारा लास्ट वर्ड शी वाज सुड टू डेथ इन द, ये चलो क्या ही बोले, ये हटाओ इस वंदे मातरम को, इसमें ये सब हो ही चुका है। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो आपके काम का ये नहीं है कौन है, आपके काम का है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है और कब अपनाया गया, कौन सा अधिनियम चल रहा है। तो अलग ये आएगा जब हम टाइगर एक्ट करेंगे तो वहां पर। बंगाल पैंथर टाइग्रिस है और ये भारतीय कॉन्टिनेंट में पाया जा रहा है, भारत और बांग्लादेश दोनों का ये है, और साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस टिग्रिस। कार्लेनिस ने ही बाई सब नामन क्लेचर किया है तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, हम आगे भी पढ़ेंगे। और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेशनल फ्लावर क्या है इनका, लोटस है, और इसका साइंटिफिक नेम कहीं दिख रहा है फर्स्ट लाइन में, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। चले मजे वाली बात क्या है कि इनका कोई पर्टिकुलर डेट वोट नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया एंड वियतनाम, जैसे वहां पे इंडिया एंड बांग्लादेश था। चलो नेशनल बर्ड सिस्मेटा नेचर इन 1758 वो तो हटा दो। कार्लिनियस ने ही नमन क्लेचर किया है तो आप वैसे भी साइंस में पढ़ते ही हो, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, पावो क्रिस्टेसस। चले और भी किसी देश का है ये, नहीं। नेशनल डे हम जानते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो एज ए यूजेस एज ए एसोसिएट लैंग्वेज, पढ़ा चुके हैं। हिंदी का स्क्रिप्ट क्या होगा, देवनागरी, और इंग्लिश का स्क्रिप्ट क्या होगा, रोमन। इंडियन कैलेंडर, हाँ यही ढूंढ रहा था मैं उस दिन, है क्या है इसमें बुक में, नहीं। ये बेसिकली मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आपको ये देसी महीना का नाम याद हो। लास्ट ईयर उर्दू का पूछा है मेरे भाई कि इस्लाम के तहत पहला महीना कौन होता है, अब भूल गया मैं। वो मैंने कोशिश तो की थी वो सब डालने की, फिर मैं कहा कि गाली देगा लोटा, फिर हटा दिया सब। मतलब लिटरली क्वेश्चन था कि इस्लाम के तहत पहला महीना कौन सा है, सीपीओ वाले में मिलेगा, जो पीछे बुक है पीछे ये मिल जाएगा किसी ने क्वेश्चन में आपको। तो ये आपको जानना चाहिए कि 23 मार्च 1957 को हमने इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा हाँ सख सम्मत है, और इसमें इसके हिसाब से पहला महीना कौन है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन है। गांव के लोग लगभग जानते हैं, ने हाँ सुना सुना है, जैसे ये पता नहीं है कि पहला चैत से शुरू होता था और जनवरी माघ से होता है। हाँ तो अभी आपको याद रखेंगे तो ठीक है। बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे ग्रेगरियन कैलेंडर चलता है, पोप जॉन ग्रेगरी ने बनाया था। सक्षमत 1978 में आया था ये, किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा बनाया गया था। चार कैलेंडर है जनरली, एक तो विक्रमी सम्वत, विक्रमी सम्वत है हिंदू कैलेंडर, विक्रमादित्य ने 58 एडी में, और ये सक्षमत कनिष्क ने 78 में, फिर एक गुप्ता सम्वत 319-20 में, फिर है इलाही सम्मत
सॉरी, इलाही तो अकबर ने चलाया था, मुसलमानों का कौन सा है? 622 में है वो, नाम भूल रहा हूँ। ये 1582 के आसपास अकबर ने चलाया है, 82-83 कुछ। और ग्रेगरियन कैलेंडर, पोप जॉन ग्रेगरी ने 1700 कुछ में, 52 में समथिंग शुरू किया था। तो ये हिंदू कैलेंडर पूछा जाए तो विक्रमी है, हाँ 58 BC, BC AD कंफ्यूज कर रहे हैं। हिजरी कैलेंडर बोलते हैं, हिजरी हिजरी बेसिकली हिजारत से बना है। हिजारत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। जब पैगंबर मक्का से मदीना गए तो उस पार्टिकुलर डेट को हमने हिजारत कहा है, और वहीं से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। किसी को वो हो, BC AD आगे आएगा वैसे, क्योंकि ये हर बार आता है और मैं हर बार गलत करता हूँ, एज ए स्टूडेंट भी गलत किया था मैं। 78, तो ये तो AD हो गया। और ये जैसे इसीलिए जो ये नेपाल है इसी का यूज करता है, इसीलिए उनका लगभग इतना साल आगे चलता है, उनका 2000 कुछ चल रहा है। खैर 2000 तो कुछ हमारा भी चल रहा है, लेकिन वो खत्म होने के कगार पे है। शक ने बनाया था, 21 दिन और ये सब आप जानते हैं। 30 दिन का हो तो 22 मार्च को शुरू होगा, 31 वाला हो तो 23 मार्च को शुरू होगा। चैतवा चैत चैत इज द फर्स्ट मंथ, और लास्ट क्या था? फागुन। ठीक, अभी फागुन चल रहा है। नहीं सही बात। बाईस मार्च या 23 मार्च 1957, ऐसे याद रखना है। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो उससे आपने थोड़ा सा लिंक करके रखना है। और ये नहीं आएगा 22 या 23, क्योंकि जनरली ये क्या वो है क्या, 4 साल में जब 31 हो जाता है तो क्या कहते हैं उस साल को, लीप ईयर तो है नहीं। तो 22 दिया तब भी ठीक है, 23 दिया तब भी ठीक है, लेकिन दोनों हो तो 23 मार्च ही करना। ऑफिशियल करेंसी बार बार आ रहा है आपके SSC में, बार बार पूछ रहा है कब अपनाया गया, 2010 कहीं दिख रहा है? यस, लगभग मुझे लगता है 6-7 बार पूछ लिया TCS ने। डी उदय कुमार ने बनाया था। इसमें कौन कौन से स्क्रिप्ट है तो ये देखो ध्यान से, ये है रोमन, लेकिन जैसे ही इसमें ये लग गया तो ये हो गया देवनागरी। तो दोनों स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया। दुनिया के 6 ही देश हैं जिनके पास अपने करेंसी का साइन है, अमेरिका का डॉलर, यूरोपियन यूरो, ब्रिटिश पौंड, जापानीज एन, इंडिया का रुपया और रशियन रूबल। रूबल 2013 में आया है, हमारे बाद आया है, लेटेस्ट रूबल है। और ये तो कहानी आप सुन ही चुके हैं कि 8 नवंबर को रात को 16 बजे, मेरे प्यारे देशवासियों, और कहाँ कहाँ से नोट छपते हैं, क्या होता है, कॉइन्स कहाँ मिंट होते हैं, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं इकोनॉमिक्स वाले बैंक के चैप्टर में। नोएडा, मुंबई, कोलकाता और चेरापल्ली या हैदराबाद, इनको हम मिंट कहते हैं। और नोट कहाँ कहाँ से छपते हैं वो भी पढ़ा चुके हैं, नासिक, देवास, सालबोनी। ये नए नए करेंसी आ गए, और इनको आपको पता होना चाहिए किस कलर के हैं, कौन से फॉर्मेट के हैं। नहीं, नए वाले पूछ रहे हैं। हाँ बच्चे, 2000 क्या? सबको मंगलयान है, सबको पता है। 10,000 रुपये तक का पढ़ा रखा है, क्वाइन का लिमिट नहीं है। मार्स ऑर्बिट मिशन, ये मार्स का दिया गया है, 500 पे रेड फोर्ट का दिया गया है, 2016 में शुरू हुआ। नेशनल ट्री हमारा बरगद, बनियान।
कंफ्यूजन होंगे पीपल से और बरगद से, है ना, तो याद रखिएगा बरगद है, मैंगो, मैग्निफेरा इंडिका, भारतीय वेजिटेबल। हाँ कद्दू, नेशनल डिश खिचड़ी, फील्ड हॉकी, एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस हेरिटेज एनिमल, विरासत पशु, नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा, साइंटिफिक नेम देख लीजिएगा ओफियोफेगस हन्ना, नेशनल रिवर गंगा रिवर। तो कल परसों हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि कहाँ पे मिलती हैं, है ना, तो आपको ट्रिक पता है उसका, नहीं पता है, चले कोई बात नहीं, बेड पाक मार दाव, सब में अलग नंदा दिख रहा है, ये प्रयाग को रिप्रेजेंट करेगा, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और शुरू वाला अलग नदी को, भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाएंगे, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बना रही हैं, देवप्रयाग, क्लियर है। पाक कर्णप्रयाग हो गया, अब ढूंढिए पी से कोई नाम दिख रहा है क्या, हाँ ग्रीन पिंडर, और कहाँ पे मिलेंगी, कर्णप्रयाग पर। इसे ये भी क्रम बन जाएगा कि पहले कौन आता है, मान लो हम कह देंगे नॉर्थ टू साउथ प्रयागों का क्रम लगाइए, तब भी ये कर पाएंगे, तो दोनों क्वेश्चन ये हो जाएगा। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा तो है ही, एम वाला ढूंढिए तो कोई दिख रहा है क्या, मंदाकिनी, ठीक है, दाव एक देवप्रयाग और एक बनेगा एन नान, नंद प्रयाग और नंदाकिनी, देखा कहीं, तो देख लो, ये आपको ट्रिक बनाना है तो लिख लीजिए, उसमें हमने डिटेल दे रखा है अलग, हमने जब पढ़ाया ये चैप्टर रिवर वाला, छठ क्लास ली है रिवर रिवर की, और एक भी क्वेश्चन आता है रिवर का तो उससे मिल जाता है, बस एक क्वेश्चन इस बार नहीं मिला था जिसमें पूछा था कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक गंगा का विस्तार है, तो वो मैं नहीं पढ़ा सकता अभी, वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं यार, अब 26 तारीख को नहीं, वो इतना पास पास था, मैं भी यही सोचा था कि आइडिया लग गया वो, लेकिन जब चारों ऑप्शन देखा मैं कही तो पॉसिबल नहीं, 26 तारीख को इसकी वेट कितनी थी हमें नहीं पता है, हाँ ये पता हो कि जब आए थे तब कितना वेट है और जा रहा तब, लेकिन अचानक पूछा कि 15 तारीख को कितना था, तो वो फालतू क्वेश्चन है, कितने डिग्री विस्तार, अदरवाइज लगभग सारे क्वेश्चन मिले, ये कर लेंगे, बैट पाक मार दाव नान, नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा, यही पांच प्रयाग बनते भी हैं। पूरा डिटेल हमने दे दिया, गंगा क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से बहती है, इनके इसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, लेफ्ट कौन सी, राइट कौन सी है, कभी नहीं दीदी अपने से नहीं पढ़ पाएगा तो बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा दोबारा, रिवर वाला मेरा मतलब ठीक ठाक है कमान, लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट में ट्रिब्यूटरी कौन है, सब पे ट्रिक बना रखा है, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, यूट्यूब पे ऐसे करते हैं, गौरव सरन अकेडमी रिवर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 छ, हाँ है, लेकिन रिवर का एक क्वेश्चन रहता है और वो ऐसा है कि ट्रिक वाइज है सब कुछ, पूरा दिन लगता था लॉकडाउन में, सुबह शाम तक फिर वही क्लास लेते थे, मतलब यूट्यूब पे मैंने कोई अच्छे से टॉपिक पढ़ाया तो शायद वही आके भी पढ़ाए हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत किया। नेशनल लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी कौन सा है, कोलकाता में, और पहले ये किसका था, तो उनका आवास हुआ करता था गवर्नर जनरल का, वायसराय का, उसी को हमने क्या बोल दिया, दी लाइब्रेरी बना दी, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किसके पास है, कल्चरल मिनिस्ट्री के पास है, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे शिक्षा मंत्री थे पहले, तो इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया, पहले तो ये इंडियन लाइब्रेरी के ऊपर काम कर रही
और पहले तो उनका आवास था, फिर इंपीरियल लाइब्रेरी बनी, फिर मतलब ओरिजिनली क्या था आवास था ये कहने में, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, बिहार में इसको सोस मछली कहते हैं, आंधी मछली काट के खाए जाते हैं। तो गंगा डॉल्फिन कहाँ कहाँ, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पाई जाती है, और पाकिस्तान ने भी इसे अपना एक्वेटिक एनिमल बनाया हुआ है, लेकिन उनके कौन सी है, इंडस डॉल्फिन है, हमारी कौन सी है, गंगा डॉल्फिन। ईयर चाहिए था इनका, इसका ईयर, दो का ईयर आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, एक तो हाथी को कब हमने हेरिटेज एनिमल बनाया ये, और गंगा को सॉरी क्या पढ़ रहे थे हम, गंगा डॉल्फिन को कब हमने एक्वेटिक एनिमल बनाया, ये दो का ईयर चाहिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। नेशनल इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, वीणा, तो ये तो हो गया साथियों नेशनल वाले, अब स्टेट वाले पे चलते हैं। कह रहे हैं भूतिया बिल्डिंग है नेशनल लाइब्रेरी, बिरला प्लानिटेरियम के पास है, कह रहे हैं 2004 में अपनाया गया, सही बात है क्या, गंगा को एक्वेटिक एनिमल ना, 2010 कह रहे हैं, अब किसका 2010 कह रहे हैं, किसका 4 कह रहे हैं पता नहीं। धीरे धीरे आपका तैयार हो रहा है ना, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि हाँ हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बस एक रीडिंग अपने से लगा लिया करिए, क्योंकि अभी मुझे जीएस में बहुत कुछ देना है। आज ही कलीग वाला कह रहा था कि इस बार सही टाइम पे दे रहे हैं सब, पिछली बार बहुत लेट लेट से मिला था, चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट वाला कह रहे हैं 2010 में था, लिख लीजिएगा, अब जहाँ पे हेरिटेज एनिमल दिया गया हाथी को, विरासत पशु, तो उसके 2010 में, नेट नहीं चल रहा है, चलेगा भाई, चले। अब आते हैं स्टेट एम्बलम, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दिक्कत है कि आ रहे हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत पढ़ के रखेंगे तो आइडिया लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काला हिरण किसका किसका है, तो हरियाणा का है, पंजाब का, हाथी वाला 2010, हाँ गंगा डॉल्फिन भी 2010, अच्छा ठीक है, गंगा गंगा डॉल्फिन को हमने 2010 में, और शायद हाथी वाला भी 2010 ही है, कह रहे हैं कि वीणा में कौन सी लकड़ी यूज की जाती है, यह आया था एसएससी में, वीणा में नहीं 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 ये नहीं आया था, अभी आएगा, जब स्टेट का इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे वो कटहल था उसका आंसर, दोनों क्वेश्चन को मर्ज न कर, दोनों अलग अलग है, आएगा अभी, हाँ, वो राजस्थान का था या साउथ का कोई पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, उसका पूछा था कि ये किससे बनता है, वीणा जैसा होता जरूर, तंबूरा शायद पूछा था, वो हम बताएंगे, अभी आएगा वो। तो स्टेट एनिमल किसका, ब्लैक बग, इट इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, ठीक, काला हिरण, और आंध्र प्रदेश का तो है ही नहीं। दूसरा है स्टेट बर्ड, तो ये है रोज रिंग पाराकृत, ये कह रहे हैं एक प्रकार का तोता है, और लोकली इट इज नोन एज द रामा चिलुका,
स्टेट ट्री इनके पास क्या है, नीम, और लोकली इनको क्या कह रहे हैं, बेप्पा चेट्टू। हम उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन हम फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ पाएंगे। तो ये हालांकि इसका एमसीक्यू भी रेडी है, मैंने जानबूझ के बुक से हटा दिया। बेसिकली एक स्टेट का अलग से सेक्शन था और उसमें सब पे क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर करके चैप्टर्स में मर्ज कर दिया ताकि अलग से भी ना हो और वो पेज बच गए। स्टेट फ्लावर कौन सा है, जैस्मिन। स्टेट फिश कौन सा है, स्नेक हेड मुरिल। और स्टेट फ्रूट कौन सा है, मैंगो। तो इंडिया वाला ही है, बहुतों का मैंगो है तो ठीक है। तेलंगाना का क्या है, स्टेट एलिमेंट जिनका, और स्पॉटेड डियर चित्तीदार हिरण। स्टेट बर्ड इंडियन रूलर कह रहे हैं, और पालापिट्टा इट इज ऑल्सो स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा एंड कर्नाटका। चलो ये भी अच्छी बात है, उड़ीसा और कर्नाटक में ऑलरेडी इसका ही यूज किया जा रहा है तो लगभग पास पास ही हो गए, है ना। और स्टेट ट्री इनका क्या है, जम्मी चेट्टू, कैसे याद हो गई। स्टेट फ्लावर तांगेडू, इट इज वाइडली यूज इन द स्टेट फेमस बथुकामा फेस्टिवल। हैं, आएंगे तो नहीं लेकिन अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, कोई साउथ का हो तो उसको भी तो लगेगा कि हमारे वाले का क्यों छोड़ दिया। स्टेट फिश इनका मुरल है, इनका भी शायद यही था क्या, स्नेक हेड मुरल था इनका और इनका मुरल। और स्टेट फ्रूट मैंगो ही है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट फेस्टिवल पेक्का ग्रिल हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कई जगह आएगा लेकिन यहाँ इनका कौन सा हॉर्नबिल है, पेक्का पागा हॉर्नबिल है। स्टेट एनिमल मिथुन, बास फ्रंटलेस मेलग, वो बैल की तरीके से होते हैं। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट फ्लावर फॉक्स टेल ऑर्चिड। दोनों का दस ही है ना, ठीक है। और स्टेट फ्लावर फॉक्स टेल ऑर्किड। और स्टेट ट्री होलोंग, ये तो मुझे याद था कि दिल्ली में आया था उसके बाद ही हुआ है, दो चार कह रहा ना, तो मैं कहना ऐसा हो ही नहीं सकता, 2005 में दिल्ली आया था तो उससे बाद में ही हुआ था। बिहार गौर है ना, मैं गौर या मिथुन जनरली कौन सी गाय कहते हैं, नील गाय वही है। और स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो, गौरैया जिसको आप कहते हैं। और स्टेट ट्री पीपल है, देश का बरगद है इनका, पीपल है। फ्लावर मैरीगोल्ड गेंदा है ना, गेंदा फूल। और स्टेट फ्रूट मैंगो, तभी तक तीनों के लिए स्टेट फ्रूट मैंगो ही चल रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट एनिमल वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस। स्टेट बर्ड हिल मैनिया मैना। स्टेट ट्री साल। स्टेट फ्लावर राइनो कोस्ट्रालिस गिंगेटिया। कोई आया छत्तीसगढ़ वाला, नहीं। स्टेट एनिमल गौर। स्टेट बर्ड रूबी, ऑल्सो नोन एज द रूबी गोला। इनफैक्ट इट वॉज मस्कट ऑफ द नेशनल गेम इन गोवा। स्टेट फिश ग्रे मुलेट या सेबलेटो कोंकानी, कोंकणी होता है उनका लैंग्वेज। स्टेट फ्लावर जैस्मिन। और स्टेट ट्री माती। गुजरात यूजर्स ऑफ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडियन स्टेट। अच्छा ये क्यों आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, 11th का जब एनसीईआरटी देखोगे तो गोवा, यदि मैं अभी टेलीग्राम पे खोल के दिखाऊंगा तो गोवा में ऐसे ही टेबल बना हुआ है, तो वहीं से एग्जामिनर सीधे सीधे उठा रहा है ये क्वेश्चन, और उसको पता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो इसलिए उठा के और डाल रहा है, क्योंकि उसको तो 25 पूरे करने हैं, और ऐसा कि मेरा क्वेश्चन कोई नहीं कर पाया। स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो।
स्टेट फ्लावर यहाँ पर भी मैरीगोल्ड गेंदा, और स्टेट ट्री बनियान देश वाला ही, स्टेट फ्रूट मैंगो देश वाला ही, और गेंदा बिहार में भी था ठीक। हरियाणा पीपल, पीपल और किसके पास था अभी, बिहार में था। स्टेट एनिमल ब्लैक बक पंजाब में भी यही है और आंध्र प्रदेश में भी यही है। स्टेट फ्लावर लोटस देश का भी यही है। स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन, ये हिमाचल प्रदेश में, नहीं 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 ये नया हेडिंग है, आप लोग भी हेडिंग डालिएगा, वहाँ मिस हो गया। हिमाचल प्रदेश है नया हेडिंग में, उसको हेडिंग बना लीजिएगा, बुक में देखिए हेडिंग के रूप में नहीं है, वो मिस हो गया है, समझ पा रहे हैं। हाँ तो उसको हेडिंग बना लीजिएगा। और ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हो रहा है। स्टेट एनिमल स्नो लिपार्ड, और स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रेगोपान, स्टेट ट्री देवदार सेडार, और स्टेट फ्लावर पिंक रोडोडेंड्रोन। जीवन के सबसे मुश्किल टॉपिक को पढ़ाया जाए। झारखंड स्टेट एनिमल एशियन एलिफेंट, इट इज ऑल्सो एनिमल ऑफ केरला एंड कर्नाटका, हाथी। केरल कर्नाटक और झारखंड हाथी। स्टेट बर्ड एशियन कोयल, स्टेट ट्री साल, साल अभी किशोर में भी आया था, बताओ तो किस में आया था, नहीं साल नहीं आया था, आया था तो बताइए, छत्तीसगढ़। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बाद में झारखंड भी बनाया छत्तीसगढ़ भी बना, और दोनों का साल है, दोनों बनाए के साथ है। स्टेट फ्लावर प्लास, कर्नाटका अभी पढ़ी लिए एलिफेंट। स्टेट बर्ड इंडियन रूलर, रूलर आया था नहीं आया है, आया तो बताओ कौन सा स्टेट, तेलंगाना ठीक है याद रखिए। स्टेट ट्री चंदन की लकड़ी आजकल चर्चा में है, पुष्पा। और स्टेट फ्लावर लोटस। स्टेट बटरफ्लाई, अब देखो बाकी लोगों के पास नहीं है लेकिन इनके पास है बटरफ्लाई, साउदर्न ब्रीड विंग बर्ड विंग, इनके पास फल नहीं है यस। तो मतलब ये नहीं सोचिए कि ये हम लिए छोड़ दिए, है नहीं इसलिए नहीं है। केरला स्टेट एनिमल अभी पढ़ा था, झारखंड कर्नाटक और केरला का। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल अभी आया था, अरुणाचल प्रदेश। स्टेट फिश पर्ल स्पोट, और इनके पास स्टेट बटरफ्लाई मालाबार बैंडेड पिकॉक। स्टेट फ्लावर कनिकोना। स्टेट ट्री कोकोनट ट्री। मध्य प्रदेश स्टेट एनिमल बारासिंघा। स्टेट बर्ड दूधराज, और स्टेट ट्री बनियान ट्री नेशनल ट्री। स्टेट फ्लावर मडोना लिली, और स्टेट फिश मासीर टोर। महाराष्ट्र इंडियन गेन स्क्वायरल गिलहरी। स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन, पीले पैरों वाला हरा कबूतर। स्टेट फ्लावर प्राइड ऑफ इंडिया जरूल। नेशनल ट्री मैंगो ट्री, और स्टेट बटरफ्लाई ब्लू मोरमोन। मणिपुर का नेशनल सॉरी स्टेट एनिमल संगाई। बर्ड नानगुइन। स्टेट ट्री यूनिक थो। फ्लावर था इसमें छोड़ दिया इन्हें, चले कोई बात नहीं। मेघालय स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड। स्टेट बर्ड हिल मैना। स्टेट फ्लावर लेडी स्लीपर ऑर्चिड, और स्टेट ट्री गमहार। नागालैंड
मिथुन इनके पास भी आ गया, बिहार के पास भी आ गया, एक और था अरुणाचल प्रदेश में, यस। स्टेट बर्ड बिलिथ ट्रेंगोपन, एक था उसके साथ कुछ और मिथुन लगा हुआ था आगे, बिहार में नहीं, बिहार के अलावा अरुणाचल प्रदेश में है ना, ठीक है। स्टेट फ्लावर ट्री रोडेंड्रोन, रोडेंड्रोन और भी आया था कई जगह, और ट्री आलदार, खत्म नहीं हो गया, कोई बात नहीं पढ़ देते हैं। स्टेट एनिमल सांबर डियर, स्टेट बर्ड ब्लू गे कॉमनली नोन एज अ रूलर अंडर द फैमिली क्रैकडिक्सेस, स्टेट फ्लावर अशोका ट्री, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग उसको फ्लावर के रूप में यूज कर रहे हैं, अशोक ट्री को छोटे वाले, हाँ छोटा देश होने में बच्चों को फायदा है। स्टेट ट्री अश्वत्थ स्क्रेट फिग, स्टेट रेप्टाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, भितरकनिका नेशनल पार्क में पाया जाता है उड़ीसा में, यस। पंजाब स्टेट एनिमल पढ़ी ली थे ब्लैक बग, स्टेट बर्ड बाज, स्टेट फ्लावर इनका ठीक है स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर ग्लैडियोलस, स्टेट ट्री शीशम, स्टेट एक्वाटिक एनिमल वही आ गया इंडस वाला जो पाकिस्तान वाला है, ब्यास रिवर में पाए जाते। राजस्थान स्टेट एनिमल चिंकारा, और वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में लाइव स्टॉक, सॉरी वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में चिंकारा और कैमल, लाइव स्टॉक कैटेगरी में, समझ पा रहे हैं, यानी दो है इनके पास, वन्य श्रेणी में चिंकारा को कर दिया और पशु पालने वाले में ऊंट को कर दिया। स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑल्सो नोन एज द गोदावन, स्टेट फ्लावर रोहिडा, स्टेट प्लांट कैक्टस, कैक्टस वहीं मिलेगा, स्टेट ट्री खिजरी, खिजरी। सिक्किम वो जो लोग सलमान खान नहीं मारे तो वहां के लिए वो लोग पूछते हैं, इसलिए उन लोग, हाँ इसलिए इतना लड़ाई लड़ी थी उन लोगों ने ब्लैक बक को, हाँ बिश्नोई समाज का, यस हाँ हाँ कहा जी छोड़ेंगे नहीं सब कुछ था है, लेकिन एक छोटा सा केस के चक्कर में जिंदगी ऐसी तैसे। स्टेट एनिमल रेड पांडा, स्टेट बर्ड ब्लड फिजेंट रक्त वाला तीतर, स्टेट फ्लावर नोबेल डेंड्रोबियम, और रोडेंड्रोन तो कईयों के पास है, स्टेट ट्री थोड़ा सा और हिम्मत करना होगा। तमिलनाडु स्टेट एनिमल नीलगिरी थार, स्टेट बर्ड इमरलड डोव, स्टेट फ्लावर कंधाल, स्टेट ट्री पाम ट्री, स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट, और स्टेट बटरफ्लाई तमिल यूमन, त्रिपुरा स्टेट एनिमल फायर लैंगूर, स्टेट बर्ड ग्रीन इंपीरियल पिगजन, स्टेट फ्लावर नोगेश्वर, स्टेट ट्री आगरवुड, और स्टेट फ्रूट क्वीन पाइनएप्पल। उत्तर प्रदेश स्टेट एनिमल बारासिंगा, स्टेट बर्ड सारुस क्रेन, एमपी में था बारासिंगा ना, ठीक। स्टेट फ्लावर प्लास भी था किसी में, था। स्टेट ट्री अशोका भी नहीं था, हाँ लेकिन अशोका ट्री था फ्लावर के रूप में, अशोका ट्री, हाँ। प्लास कहाँ था ढूंढो तो, तब तक मैं अगले पर चलता हूँ। झारखंड ठीक है, वहीं आगे यूपी वाले के आगे झारखंड लिख देंगे तो इजीली होगा ये सब याद कर पाना। उत्तराखंड स्टेट एनिमल अल्पाइन मस्क डियर, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल,
या था किसी में, ये शायद भूटान में था, नहीं भूटान में तो रावण था, भूटान में रावण था, रेवन मुनल था, अभी हिमाचल में ही शायद, हिमाचल था स्टेट, बटरफ्लाई, वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक, देख रहे हैं, बटरफ्लाई के रूप में कॉमन पिकॉक को रखा है, आपको ऑप्शन में आएगा तो कहे पक्का ये तो पहले हटा दो। हाँ स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल, तो ऐसे याद रखना है, देवों की भूमि है तो ब्रह्म कमल रहेगा। हाँ वेस्ट बंगाल, फाइनली खत्म कर लिए। स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, स्टेट बर्ड वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, स्टेट फ्लावर नाइट फ्लोरिंग जैस्मीन, और स्टेट ट्री चैतिम ट्री। तो ये तो हो गया हमारा एक मुश्किल टॉपिक, अब एक और मुश्किल टॉपिक, इंडियन स्टेट एंड टूरिज्म स्लोगन, आप छोड़ नहीं सकते इस टॉपिक को भी, कई बार ऐसे भी पूछ रहे हैं, हमने हर चीज कोशिश किया जो पूछा जाएगा और आपको दे देंगे, आप ये नहीं कहते जी ये नहीं था बुक में। आंध्र प्रदेश द सेंस ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया, अरुणाचल प्रदेश द लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स, असम द ऑसम असम, बिहार इज द ब्यूटीफुल बिहार। अच्छा ब्लिसफुल, ऑप्शन ऐसे ही देगा, ब्लिसफुल ब्यूटीफुल। हाँ छत्तीसगढ़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, गोवा द परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन, ये तो याद ही रहेगा। हाँ और अ पायनियर ऑफ हाईवे टूरिज्म, ठीक है ये भी याद रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश अनफॉरगेटेबल हिमाचल, जम्मू कश्मीर चलो कश्मीर, झारखंड अ न्यू एक्सपीरियंस, और कर्नाटक वन स्टेट मेनी वर्ड्स, केरला गॉड्स ऑन कंट्री, भगवान की अपनी भूमि, मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, और आंध्र प्रदेश का द एसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो इसमें इसमें प्रदेश है, उसमें प्रदेश है, तो मध्य है तो हार्ट होगा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्रिक ट्रिक लगा करके। महाराष्ट्र में अनलिमिटेड, मणिपुर में ज्वेल्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ज्वेलरी मणि से लेके ज्वेलरी को जोड़ देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मेघालय हाफवे ऑफ हाफवे टू हेवन, बादलों में भगवान का, हाफवे टू हेवन ठीक है। नागालैंड लैंड ऑफ फेस्टिवल, ये तो आता ही रहता है, क्वेश्चन में ही आता है किस स्टेट को फेस्टिवल का स्टेट कहा जाता है, तो ये नागालैंड, जीके वाइज भी आगे पढ़ाएंगे जब फेस्टिवल वाले में तो आएगा ये क्वेश्चन। और उसमें भी एक त्यौहार है जिसको हार्नबिल, त्योहारों का त्यौहार कहेंगे, आएगा वो क्वेश्चन। उड़ीसा द सोल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये था हार्ट और ये है सोल, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, जुड़ेगा जुड़ेगा, ओ है तो इसमें ओ होगा। हाँ ठीक है उसमें महाराष्ट्र में एच है तो एच है, जैसे मान लो मैं पूछूं आपसे ब्रह्मपुत्रा का नाम दिहांग है दिबांग है, इंडिया से आने से पहले उसको दिहांग कहते हैं दिबांग कहते हैं, एक उसकी ट्रिब्यूटरी है और एक है, पक्का कैसे याद है, याद है बस ये। तो हमने क्या किया कि हमने उसको कहा कि दिहांग है, ब्रह्मपुत्रा ही दिहांग है, तो एच से हमने जोड़ के है से दिहांग को करके ट्रिक बना लिया ताकि कंफ्यूजन हो दिबांग और दिहांग में, तो ऐसे आपको जैसे भी आप कर सकते हैं। ट्रिब्यूटरी है तो वही तो कंफ्यूजन है कि यार दिभांग था दिहांग था, दो ऑप्शन दे दिए कंफ्यूज हो गए, तो हमने कहा कि सोल वाले में वो आ जाएगा, हार्ट वाले में एच आ जाएगा, लेकिन वो नहीं काम करेगा, उसमें एच है कहीं, हाँ है मध्य में है। हाँ पंजाब में द इंडियन इंडिया बिगेन्स हियर, राजस्थान में इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा इधर का उधर घुमा करके। हाँ सब सब ऐड में आता है ये, तो आप राजस्थान के नजदीक हैं तो इसलिए आपको। हाँ। सिक्किम स्मॉल बट ब्यूटीफुल, ये तो कर ही लेंगे सबसे छोटा है। तेलंगाना इट्स ऑल इन इट, तमिलनाडु इंचेंटिंग तमिलनाडु,
त्रिपुरा विजिट अगरतला और उत्तर प्रदेश अमेजिंग हेरिटेज ग्रैंड एक्सपीरियंस, उत्तराखंड सिंपली हेवन, इसका बढ़िया टैगलाइन है। वेस्ट बंगाल ब्यूटीफुल बंगाल, जैसे वो ब्लिसफुल प्यार था, ये ब्यूटीफुल बंगाल है। गुजरात गुजरात नहीं था तो उसका भी तो है टैगलाइन। हाँ मारो गुजरात, नहीं कुछ और है, आता भी रहता, देखना टैगलाइन ऑफ गुजरात, उसका तो ऐड भी आता रहता है। बाघों का कुछ करके, बाघों का कर गुजरात का बाघों का कुछ लाइन से ऐसे, बाघों का राज्य ऐसे कुछ। हाँ ये एक टॉपिक है जो आपको रटना पड़ेगा, हैंडीक्राफ्ट। इसको मेरे लिए पढ़ाना बहुत टफ है, हैं? वाइब्रेंट गुजरात, हाँ हाँ मोदी जी ने इसको काफी हाईलाइट किया, वाइब्रेंट या वाइब्रांट। कोडापल्ली, अब देखो यहाँ पे तो ट्वाइस लिख दिया लेकिन ऐसे आ रहा है कोडापल्ली कहाँ का हैंडीक्राफ्ट है या किस प्रकार का हैंडीक्राफ्ट है, तो तमिलनाडु का सॉरी आंध्र प्रदेश का एक ट्वाय है और किससे, सॉफ्टवुड से बना हुआ है, तेला पोंकिनी विच आर फाउंड इन द कोडापल्ली हिल्स इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। अब मैं कुछ पहले दिखा दूँ आपको, तब इसको दोबारा करेंगे तो थोड़ा सा ईजी होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बस दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन दे कहां से रहे हैं। ये बेसिकली एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है तो सिलेबस वाइज उनको पूछने का अधिकार है आपसे, मतलब आप ये नहीं कह सकते उनको कि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं हमसे, ये 11th में पढ़ाते हैं। जीएस में तो जो भी जीवन से संबंधित है, एक कुत्ता एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, इंडेक्स ही है पहले तो। आंध्र प्रदेश शुरू तो नहीं हो गया, हाँ आएंगे सर्च पे भी आएंगे, कुछ दिखाना है मुझे अभी तो, इंडेक्स ही चल रहा है, मतलब इंडिया के बारे में समरी दिया जा रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा ये पेज नंबर तब समझ जाएगा, अभी चैप्टर आया नहीं, मतलब इतना कुछ है हमें जानने जुनने के लिए, अब आया है बेसिकली। ये आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार इस तरीके से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो ये हमने ऑलरेडी बुक में आपको दे दिया है, अब यहाँ से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा क्यों हमें ये बुक पढ़नी चाहिए जो हमने दिया है। अब देखो कब इनका फाउंडेशन डे हम पढ़ा चुके हैं, कैपिटल आप जानते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट एनिमल अभी आपने पढ़ ही लिया, स्टेट बर्ड आपने पढ़ लिया, स्टेट फ्लावर स्टेट ट्री, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ये फोटो के रूप में, हालांकि पीपीटी इसका तैयार है अपने पास फोटो वाइज भी, बुक में भी था, लैंग्वेज क्या है इतिहास क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी पूछ रहे हैं, अभी जो क्राफ्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस तरीके से इनका फूड भी आगे हम पढ़ेंगे, कौन से फेस्टिवल अभी आपके आगे हम पढ़ाएंगे, और यहीं से आपके पूछा जाएगा कि द मेजर वन इंक्लूड द भोगी संक्रांति महाशिवरात्रि, अब कब मनाते हैं, जब आपसे आता है एग्जाम आप कहते हैं यार मंथ कौन पूछता है, मंथ दिया हुआ बुक में पूछा जाएगा, उगाड़ी इनका न्यू ईयर है मार्च में सेलिब्रेट करते, रामनवमी महावीर जयंती गुड फ्राइडे बुद्ध पूर्णिमा इन मई रथ यात्रा
इन जुलाई, और इस तरीके से आपसे ये पूछ लेंगे, और आप इनका डांस कौन कौन सा है, कौन कौन से इनके पास थिएटर हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बुक में डाल रखी हैं। आप सर्च करेंगे ना वो क्वेश्चन कंट्रोल एफ करके, तो मिल रहे हैं सीधे सीधे वो टॉपिक। तो इसलिए जो दिया गया बड़ी दो बार पढ़ना पड़े, तीन बार, ये नहीं सोचना है कि याद नहीं हो सकता है। एक दो बार पढ़े तो आपको याद आ गया ना कि थोड़ी देर पहले इसमें पढ़े, थोड़ी देर तीन चार बार में आपका हो जाएगा। तो ये बस ये बुक दिखाने का पर्पज यही था, बलक कार्ट पिकॉक क्या है, कहाँ का, अब किस स्टेट की बात करने लगे हम, यही जो अभी टॉयज की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो अभी टॉय हमने पढ़ा है, तो इसमें क्या क्या बनेगा, देखो लकड़ी का बना हुआ है सारा। तो ये है अब यहीं से, अब हमारे आपके लिए तो लग रहा है एक लाइन का, लेकिन इन्होंने तो डिटेल दे रखा है, तो पूछेंगे ही। अब ये मंदिर कहां पर है तो क्यों नहीं पूछेंगे, आपको आना चाहिए इतना, इसलिए पूछा जा रहा है। और ये सब चीज हमने चैप्टर वाइज अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है। अब ये रुद्रावली के टेम्पल कहाँ है, मे भी आया होगा या आ जाएगा, तो बड़ी मुश्किल है ये समझ पाना कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं, तो वो हमने काम कर दिया आपका इजी। अब हम आते हैं वापस ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं। और अभी एक डेढ़ महीना सिर्फ रीजनिंग और जीएस, लेकिन शर्त वही है आपका मैथ इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, कम से कम 70-80% रेडी हो, और अभी नहीं रेडी है तो रेडी करने की जरूरत है, अभी बहुत ज्यादा करना है। 2800 ग्रेड पे भी है ना सीजीएल में, 2400 भी है, 2400 भी और 4600-4800 भी है, तो सोच लो एक ही एग्जाम से सेम पैटर्न। चलिए, तो हैंडीक्राफ्ट का भी अलग अलग कैटेगरी है, कहीं कपड़े का हैंडीक्राफ्ट होगा, कहीं किसी का पर्टिकुलर फर्नीचर का होगा, कहीं कुछ ज्वेलरी का होगा। तो अभी टीसीएस ने ये नहीं पूछना शुरू किया कि ये क्या है, अभी वो यही पूछ रहे हैं कि ये किस राज्य में है ये, तो इसलिए हमने वो कैटेगराइजेशन नहीं किया है, लेकिन ये इन फ्यूचर पूछा जाएगा। अब देख अभी ये पूछने लगे कि ये बुक कहाँ से मिलेगी यहीं से जो बेरोजगारी का दौर है वो खत्म नहीं होता है। अचानक कोई बाल टीचर आया, कोई नया बुक लाया, ला ले लो ले लो, क्योंकि सारा गेम किसी का डर का है। नहीं नहीं गुरुकुल में क्यों, टेलीग्राम पे ले लो, बात वो नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि इस बुक में है तो दोबारा क्यों दूसरी बुक लेंगे। डेली मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि लिमिटेड टीचर लिमिटेड बुक्स, आप सफलता के नज़दीक चलते चले जाएंगे, और जहाँ बुक्स और टीचर और ये सब ड्रामे में पढ़े काम खत्म है। एक जब हम लोग आईएएस का बात करते थे तो हम लोग कहते थे कलेक्टर बन गया ये, तो कलेक्टर का मतलब आईएएस कलेक्टर नहीं था, मैटर कलेक्ट करने वाला। तो जो कलेक्टर बन जाए वो कलेक्टर नहीं ही बनेगा। खैर तो आप तो ये नहीं कह सकते कि कलेक्टर नहीं बनेगा, कहेंगे इंस्पेक्टर नहीं बनेगा। कोडापल्ली कहां पे भी देखा आपने, आंध्र प्रदेश में। अगला है कलमकारी आर्ट, आ गया आपके एग्जाम में, देखा होगा कलमकारी किस राज्य से संबंधित है। चिकनकारी बार बार आ रहा है तो अभी आएगा यूपी वाले में। तो कलमकारी इज द टाइप ऑफ हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन द आंध्र प्रदेश। ओनली नेचुरल डाइज आर यूज इन द कलमकारी। देर आर टू डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ द कलमकारी आर्ट्स इन इंडिया, दैट द सलास्ती स्टाइल एंड द मछलीपट्टनम स्टाइल। तो अब दोनों आ सकता है कि मछलीपट्टनम स्टाइल या सलास्ती स्टाइल किससे रिलेटेड है, कलमकारी आर्ट से, और ये किस पर क्या किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से। हिंदी भी दे दिया नीचे ताकि हिंदी मीडियम वाले घबराएंगे नहीं, कोई वहां दिक्कत हो तो हिंदी लिख लेंगे अपने साथ के साथ। एटीकोप्पा ट्वाइस, एटीकोप्पा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में।
तो हमें ये नहीं करना है कि कहाँ पर, हमें ये जाना है कि ये एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट है और कहाँ से, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अगला है बेंटा गिरी साड़ी, कहाँ पर साथी साथियों? आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। अगला है मंगलागिरी साड़ी एंड फैब्रिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द परफॉर्मिंग हैंडीक्राफ्ट वीविंग द मंगलोरी मंगलागिरी अ टाउन इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अगला है धरवरम हर हैंडलूम पट्टू साड़ी एंड द पवादास आर टेक्सटाइल वोवन बाय हैंड विद द नलबरी सिल्क एंड जारी, दे आर मेड इन द धर्मवरम इन अनंतिया। अब जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी काम का फैक्ट नहीं है, बस ये कहाँ पर कौन कौन सा है ये आपको जानना जरूरी है। कलमकारी यही पूछा किस राज्य से, ये नहीं पूछा क्या है। विद्युत बेल एंड ब्रश है ना, कैटेगरी पहले हमने क्या लकड़ी का बताया, फिर कपड़े का बताया, अब हम किसी पार्टिकुलर मेटल का बता रहे हैं। तो ये विद्युत बेल क्या है? पीतल जैसी मित्र धातु से बने हुए उत्पाद हैं। थोलू बोमतला ये क्या है? हाँ ये भी क्वेश्चन आ चुका, पपेट थिएटर ट्रेडिशन। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया इट यूजली डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ द हिंदू एपिक्स सच एज द रामायण एंड द महाभारत। ये मुझे लग रहा हम किए हैं ये क्वेश्चन हम लोग, या आएगा फेस्टिवल वाले में या कहीं आ जाएगा ये। उपदा जामदनी साड़ी, इट इज अ सिल्क साड़ी स्टाइल वुमेन द उपड्डा ऑफ द ईस्ट गोदावरी ऑफ द स्टेट। दुर्गी स्टोन कार्विंग अ कर्व फॉर्म सॉफ्ट लाइम स्टोन इन दुर्गी एंड द ओबेलिस्क इन द गंटूर ऑफ द आंध्र प्रदेश। उदय गुरु गिरी वुडन कल्टरी, सदियों पुराना शिल्प है उदयगिरी, अब लकड़ी की कल्टरी के लिए अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है, जटिल नक्काशीकारी के लिए लकड़ी के रूप में जाना जाता है। अब आ जाइए तेलंगाना, तेलंगाना में क्या है? गोलाभामा साड़ी मेड इन द सिद्दीपेट, कोई जरूरत नहीं है कहाँ पे पाए जाते हैं। पोचमपल्ली इकत साड़ी, तेलिया रुमाल, अपने जीआई टैग वाले में पढ़ा था तेलिया रुमाल, याद हो आपको? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। तेलिया रुमाल कहाँ पर? तेलंगाना में। आदिलाबाद डोकरा मेड ऑफ ब्रास, ये भी शायद जीआई टैग में आ गया है, वो तो आया है, तेलिया रुमाल तो आया है। वारंगल ड्यूरीज, दैट इज ड्यूरीज मीन्स दरी, कपास से बनी दरियों में बुनकर सुंदर पैटर्न बनाते हैं और वनस्पति रंगों का उपयोग करके रंगते हैं, जिन्हें छपाई की प्रक्रिया के बाद बहते हुए पानी से धोया जाता है। निर्मल टॉयज, निर्मल टॉयज इज इन आदिलाबाद। निर्मल आर्ट इज अ 400 ईयर ओल्ड रिच ट्रेडिशन दैट द इनकम्पासेस द सॉफ्ट वुड टॉयज एंड द अट्रैक्टिव पेंटिंग्स एज वेल एज फर्नीचर ऑक्यूपाइंग इट्स प्राइड एंड प्लेस इन द लार्जर वर्ल्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो आपको ये निर्मल टॉयज आना चाहिए, क्या किस राज्य से संबंधित है। करीमनगर सिल्वर फिलग्री, फिलग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? चांदी के फिलग्री में सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है। तरकाशी में कटक के एक और प्रसिद्ध सिल्वर फिलग्री, किसी को इंग्लिश पता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर टेराकोटा, जीआई टैग दिया गया था लास्ट ईयर और इसलिए आ गया हैंडमेड क्राफ्ट ऑफ भदोही और फिरोजाबाद में परफ्यूम ऑफ कन्नौज, खजूरा पोटरी बुलंदशहर, वुड एंड हैंडीक्राफ्ट इन सहारनपुर। चिकनकारी देखो लगातार मुझे लगता है 10 बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, टीसीएस ने 5-6 बार तो पूछ ही लिया कि चिकनकारी किस स्टेट में है, किस जगह पर। बनारसी साड़ी ये तो आप वैसे भी कर लेंगे। लखनऊ जो जरदोजी सुना होगा, कपड़े का ही टाइप है। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ कर्नाटका बिरदी वेयर, ये भी मेटल मेटलिक बर्तन है और बीदर से लिया गया है। चन्नापटना ट्वाइस, दिज आर वुडन ट्वाइस और इसमें भी कुछ खास नहीं है। और किसका यूज करते हैं? तो वुड ऑफ आइवरी वुड। अब देखो मैं नहीं चाहूंगा कि आप याद कर पाए, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं तो कोई बात नहीं, हमें इतना याद हो कि
चन्नापट्टा ट्वाइस कहां पे है, चन्नापट्टा कहां, तो हमारा काम चल जाना चाहिए। मैसूरू पेंटिंग विजयनगर स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग से संबंधित है। भागलपुरी सिल्क इज ऑल्सो वेरी फेमस, 96% ऑफ मुगा सिल्क कम्स फ्रॉम आसाम एंड ऑल्सो 65% ऑफ एरी सिल्क कम फ्रॉम आसाम। सैंडलवुड, मैसूरू सिल्क साड़ी, मैसूरू रेजवुड इनले। किनाल क्राफ्ट इज अ ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट लोकल ऑफ द टाउन ऑफ किनाल ऑफ कोपल डिस्ट्रिक्ट। द टाउन इज फेमस फॉर किनाल ट्वाइज इन रिलीजियस आइडियाज। कुप्पाल इन कर्नाटका विल बी द होम टू इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ महाराष्ट्र, देखो ये कितनी बार आ गया, वारली पेंटिंग भारत में ट्राइब्स के द्वारा बनाया गया है। वारली कलाकार कलात्मक आग्रह से बाहर निकल चीनी मिट्टी को झोपड़ियों का उपयोग करके कैनवास के रूप में बनाते हैं। वर्ली पेंटिंग की विषय वस्तु में प्रकृति को पेंटिंग किया जाता है जिसमें शिकार, मछली पकड़ने, खेती, जानवरों के जीवन जैनिंग से संबंधित होता है। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग भी दे दिया अभी हमने, नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी। अ पेयर ऑफ कोल्हापुरी चप्पल्स मेड ऑफ लेदर एंड कैन टेक अप टू 6 वीक। बनने ओरिजिनल लेदर से बनाते होंगे। पैथानी साड़ी, ये भी शायद आ चुका है। दिस डेट बैक द सातवाहन डायनेस्टी, द रूल बिटवीन द 2nd century BC एंड 2nd century AD। द फाइन सिल्क हैंडलूम साड़ी गोट देयर नेम फ्रॉम द टाउन विच इज दे ओरिजिनेटेड इन पैथन इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। ट्रूली फर्लिस्ट ड्यूरिंग द एरा ऑफ द मुगल, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ऑफ औरंगजेब। नारायणपेट साड़ी कम्स फ्रॉम द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मासरू एंड हिमरू फैब्रिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, रीजन ऑफ महाराष्ट्र। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़, चंपा सिल्क साड़ी एंड फैब्रिक्स, बलस्तर वू रोफ आयरन क्राफ्ट, बस्तर ढोकरा और बस्तर वुडन क्राफ्ट। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ मणिपुर, कॉर्न ग्रास। साफी लैम्फी टेक्सटाइल्स, वांखी फी टेक्सटाइल, मोरिंग फी टेक्सटाइल, स्टोन कर्विंग ऑफ बिलास विशनपुर और लुंगफी क्वाइल पोल्ट्री मणिपुर। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश, और किन्नौरी साल और कुल्लू साल, तो ये तो नाम से ही आप पकड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत किन्नौरी फेमस नहीं है तो किन्नौरी को ध्यान दे देंगे बस। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ झारखंड, जादू पटुआ और पैकर पेंटिंग, ये झारखंड की संथाल ट्राइब के द्वारा बनाया जा रहा है। द पेंटिंग दैट बिलोंग्स टू दिस फ्रॉम अ कॉमन सब्जेक्ट टू व्हाट हैपन टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं अभी कोई संथाल है उनके बर्थडे पर ही ट्राइबल डे मोदी जी ने अनाउंस किया इस बार, बिरसा मुंडा मुंडा ट्राइब और ये कौन सा है, संथाल है, ठीक है, लेकिन झारखंड से ही है। द सोराय खोवर पेंटिंग, इट इज अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मोरल आर्ट बींग प्रैक्टिस्ड बाय द लोकल ट्राइबल वुमेन ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन यूजिंग लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल ऑफ द डिफरेंट कलर इन द एरिया ऑफ द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार, कठवा। कठवा क्या है, द नेम गिवन द एप्लिक वर्क ऑफ बिहार इंडिया। कठवा इज अबाउट डिजाइनिंग बाय द कटिंग ऑफ वन फैब्रिक एंड द पीस ऑफ द अनदर फैब्रिक, कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े को सिलाई करके, पता है नहीं। भागलपुर साड़ी, अरे हम ही लोगों नहीं पता। सिक्की ग्रास क्राफ्ट,
Various handicraft are made from the special kind of the golden Ind grass known as the Sikki found in Bihar. Sikki grass वाला mark कर लेना, खटवा भी mark होना चाहिए. मधुबनी देखो दो तीन बार पूछ लिया आपके एग्जाम में, सिंपली पूछा कि मधुबनी किस राज्य में, तो मधुबनी तो आप कर ही लेंगे. मतलब ये आसान क्वेश्चन था, ये दो या तीन बार पूछा है, मिलेगा ये क्वेश्चन. एक काम कर लो ना, बिल्कुल की पूरे बुक में क्राफ्ट नाम से सर्च कर लेगा और उसका एमसीक्यू बना देगा. इसमें है नहीं, क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट दो चीज से सर्च करेगा. सेशल क्राफ्ट, तो हम किसके बारे में बात करें, गोवा के बारे में. इट्स ए कोस्टल स्टेट. गोवा हैज इमेंस द सेल ऑफ इट्स क्राफ्ट्समैन ऑफ टू मेक कूल सेशल क्राफ्ट. गोवा अपने शिल्पकारों को दर्पण, हार, अंगूठी और कन्नन जैसे झूमर आदि सेशल शिल्प बनाने के लिए समुद्र से सेशल प्राप्त करके बना रहे हैं. अगला है एजुले जोश और हैंड पेंटेड टाइल्स. ठीक है एजुले जोश आर हैंड पेंटेड टाइल्स दैट वर ओरिजिनली बॉट टू गोवा. पुर्तगीज ब्लू एंड येलो वेयर द फेवरेट कलर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइल्स विच डेडिकेटेड टू द मेनली फ्लोरल पैटर्न्स एंड रिलीजियस सीन्स. हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान. ब्लू पोल्ट्री. जयपुर इज फेमस फॉर द ब्लू पोल्ट्री. द ब्लू इज द पोल्ट्री कम्स फ्रॉम द आई कैचिंग कोबाल्ट ब्लू डाई. द कॉमन मोटिव्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द मुगल एरा एरबिक्यू पैटर्न्स एनिमल एंड द बर्ड मोटिव्स. उस्ता आर्ट इज द बेसिकली पेंटिंग आर कैमल हाइड एंड द बीकानेर इज नोन फॉर इट. दिस आर्ट इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट मीनाकारी ऑन द कैमल हाइड. मीनाकारी व्हाइट मार्बल, मकराना व्हाइट मार्बल या वैसे भी घरों में यूज करते हैं. पिचकारी इनले वर्क. मीनाकारी एंड स्कल्पचर आर्ट. ये मुझे लग रहा है मीनाकारी वाला आ चुका है. जयपुर मीनाकारी द फ्यूजन ऑफ द कलर्ड मेटेरियल सच एज द कोबाल्ट ऑक्साइड फॉर द ब्लू एंड कॉपर ऑक्साइड ऑफ द ग्रीन इन टू द सर्फेस ऑफ मेटल्स. कोटा डोरिया लाइट वेट फैब्रिक्स मेड बाय द टीनी वोवन स्क्वायर्स और विच इज स्टिल हैंड वोवन ऑन द ट्रेडिशन पिट लूम्स इन द कोटा मेड ऑफ द प्योर कॉटन सिल्क एंड हैव स्क्वायर लाइक द पैटर्न नोन एज द खार्स ऑन देम. कठपुतली ऑफ राजस्थान ये भी आ चुका है. जो जो फेमस वाले हैं वो सब आ चुके हैं. कैन बी मेड ऑफ वुड कॉटन क्लॉथ एंड वायर. मुलेला क्ले वर्क. मुलेला इज द विलेज ऑफ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर बनास. द डिस्टिंक्ट हेयर इन लाइज द टेराकोटा प्लेक मेड हेयर ओनली हेयर टू द ओवर इंडिया मेड एज अ फ्लैट सरफेस अनलाइक द यूजुअल आइडल्स मेड ऑफ इज वेयर दिस क्राफ्ट इज यूनिक इन डिजाइन. थेवा आर्ट वर्क. किस पर? गोल्ड वर्क ऑन ग्लास पिघले हुए कांच पर. और कहां पर? प्रतापगढ़. चले और इसकी उत्पत्ति कहां से मान के चल रहे हैं? मुगलों से. सांगनेर. अच्छा उसी का. नियर जयपुर इज द फेमस टू इट वर्क ब्लॉक पेंटिंग इन द सबड्यूड कलर हल्के रंग है. बागरू विलेज इन राजस्थान इज कॉटन फैब्रिक्स के लिए फेमस है. फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ सिक्किम चुकत्से. चुकत्से इज ए स्मॉल वुडन टेबल्स विच इज अ वेरी डेलिकेटली पेंटेड एंड पॉलिश्ड. द टेबल्स आर बोथ फोल्डेबल एंड पोर्टेबल मेड इन द डिफरेंट डायमेंशंस. थंकेश या थंकास. थंकास द कुलमिनेशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट. थंकास आर पिक्टोरियल
रिलीजियस स्क्रॉल्स चित्रात्मक द मोस्ट ऑफन हैंड पेंटेड विद द मिनरल कलर एंड गोल्ड डस्ट ट्रेडिशनल थंकार्स वेयर ऑल्सो बॉर्डेड और एपिक्वेड. अच्छा, कढ़ाई भी करते थे. फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंजाब फूल करी है ना, चिकन करी और क्या क्या आया तो उसी में एक है फूल करी. फोक इम्ब्रिन ऑफ पंजाब ऑल द फूल करी मीन्स द फ्लोरल फ्लोरल वर्क द डिजाइन इंक्लूडेड नॉट ओनली फ्लावर बट ऑल्सो कवर्ड मोटिप्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप इट इज ऑल्सो डन इन द हरियाणा. और फिर है परांडा. परांडा इज द वीव्स मल्टी कलर्ड थ्रेड्स टूगेदर एंड टाइड इन देयर हेयर्स इन ऑर्डर टू मेक इट लुक प्रिटी. फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ तमिलनाडु कितना है, नहीं नहीं दस ही है, 5 बजे तक खत्म कर देंगे तो ठीक रहेगा. नहीं क्या सब सारा ओखली में दे ही दिया, तब चुपचाप लगे रहो. तोड़ा एम्ब्रॉयडरी मुझे ऐसा लग रहा है तोड़ा भी आया है. हाँ आएगा आएगा, नहीं आया है तो आ जाएगा. द टोडा एम्ब्रॉयडरी आएगा इसी बुक से, ये ध्यान रख लीजिएगा. 600 पेज ये स्टैटिक है यार, उसमें भी आधे से अधिक एमसीक्यू हुए 40% लगभग. तो 250-300 पेज का बुक और उसमें से मैक्सिमम थियरी है, लाइन बाय लाइन रटना नहीं. पढ़ के यदि 25-30 नंबर आ जा रहे हैं तो कोई रिस्क वाली बात थोड़ी ना. और प्री में यदि आप 175-180 लेके बैठ गए फिर आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा, मेंस ऐसे ही हो जाएगा. नवीन का जब 206 हो गया प्री में तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही था. हैं वो तो कॉन्फिडेंस से खेलेगा आदमी एक लेवल. अब जितने मेंस वाले हैं पिछली बार वाले वो अब नहीं भी पढ़ेंगे, बस मेंटेन भी रखेंगे तभी खेल लेंगे. लेकिन आपको उस लेवल में पहुंचने में टाइम लगेगा. हाँ आप लीड ले लिए प्री में उनसे तो आपका उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं तो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा. वो अभी भी समझाते होंगे कि ये पढ़ो वो मत पढ़ो. नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्योंकि एमबी कोई 6 बार 7 बार 8 बार कीजिए. आप देशवाल की बात कर रहे हैं, रजत देशवाल. एक लेवल के बाद आपको पढ़ना नहीं होगा, सिर्फ मौका लगाना होगा, लेकिन एक बार तो पढ़ना होगा. तोड़ाया कहां पर, तमिलनाडु. तंजोर पेंटिंग तमिलनाडु. कांचीपुरम साड़ी सिल्क तमिलनाडु. कावेरी कोरा कॉटन साड़ी तमिलनाडु. फायरवर्क क्राफ्ट इन शिवकाशी तमिलनाडु और डन इन बारपेटा इन असम ऑल्सो. गुजरात पटोला साड़ी. पटोला इज अ डबल इकाद वुमेन साड़ी, ये सब जीआई टैग में हमने पढ़ा है पटोला. सूरज जारी क्राफ्ट इट मेड फ्रॉम द ईयर ऑफ द सिल्क कॉटन मिक्स्ड विद द गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर. और दूसरा क्या है, सांजेड़ा फर्नीचर. इट इज अ कलरफुल टिक वुड फर्नीचर ऑफ गुजरात ट्रीटेड विद द लेकर लेकर एंड पेंटेड इन द ट्रेडिशनल ब्राइट शेड ऑफ द मैरून एंड गोल्ड. इट इज मेड इन द संखेड़ा विलेज इन बड़ोदरा. एगेट्स ऑफ कैम्बे इट इज अ स्टोन ब्रॉड फ्रॉम द राज पिपला हिल्स अबाउट 200 किलोमीटर अवे. तो ये जरूरत नहीं है कि कहाँ पे है. तंगालिया सॉल ये भी कहाँ पर, गुजरात में है. जमनगारी बंदनी साड़ी ये राजस्थान में भी बोल रहे हैं. खावड़ा पोटरी ये कहाँ पर, राजस्थान में रानी की बाव वाले में. और अजरक ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल दैट इज रेसिस्ट डाइड यूजिंग नेचुरल डाइज इंक्लूडिंग इंडिगो एंड द मादेर. इट इज मेड इन कच्छ. हैंडीक्राफ्ट ऑफ एमपी चांदेरी फैब्रिक्स ट्रेडिशनल साड़ी इन चांदोरी. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वीविंग सिल्क एंड गोल्डन जारी इन द ट्रेडिशनल कॉटन यारन. और महेश्वर साड़ी और बाघ प्रिंट, बाघ वाला आ चुका है.
और बेल मेटल वेयर ऑफ द दतिया, फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ उड़ीसा, ताराकाशी। ताराकाशी देखना एक बार, जीआई टैग में है या मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है अभी हाल फिलहाल। ताराकाशी डेलिकेट आर्ट ऑफ द सिल्वर ज्वेलरी द है नहीं है तो ये क्वेश्चन आया होगा। पत्ता चित्र, और पत्ता चित्र भी आया है, पट चित्र। हाँ तुम भी मान रहे हो कि पट चित्र आया है, चलो ठीक है फिर। पिपली एपिक हैंडीक्राफ्ट। अगला है पेपर माचे, बेकार कपड़ों का उपयोग किया जाता है। और संबलपुरी बंदा साड़ी एंड फैब्रिक्स, बोमकी साड़ी एंड फैब्रिक्स, प्रोड्यूस बाय द भुलिया कम्युनिटी ऑफ द गुजरात। हबसपुरी साड़ी एंड फैब्रिक्स, फेमस हैंडलूम ऑफ वेस्ट बंगाल, द छाऊ मास्क ऑफ पुरलिया, छाऊ डांस से आप इसको इंटरलिंक कर लेंगे, द वुडन मुस्क ऑफ मस्क मास्क ऑफ कासमंडी, और मधु काठी काइंड ऑफ मैट। शांतिपुर एंड फुलिया साड़ी, और धनिक या खली साड़ी, सोला क्राफ्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन कॉर्क, मिल्की वाइट, डेडिकेट स्पॉन्जी प्लांट्स, द शीतलपट्टी मैट इज मेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, हटा दो। कांथा स्निचिंग स्टिचिंग मेकिंग होल अगेन द विच वॉज द ब्रोकिन। जम्मू एंड कश्मीर पश्मीना शॉल आप जानते ही हैं, सोजानी एम्ब्रॉयडरी, द टिपिकल एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, बेटर नोन एज द कश्मीर सुनजी क्राफ्ट, विच इज ऑल्सो बिलीव्ड टू हैव द पर्सियन रूट्स, कैन बी फाउंड इन द वेरियस फैब्रिक्स ऑफ एंड एप्रेल्स। पंजाकारी, ये क्या है? पंजराकारी, इट इज अ मेकिंग द डोर्स एंड विंडो वेंट्रेयर्स बाय द फिलिंग देम विथ अ नेटेड इलेक्ट्रिक बॉक्स, हटा दो। पिजनकारी पंजरकारी कहां पर ये देखना है, खातबंद कहां पर ये देखना है, जलाक डोजी एम्ब्रॉयडरी कहां पर है ये देखना है। और हरियाणा सरकंडा क्राफ्ट, सरकंडा एक पौधा है जो हरियाणा में बहुत पाया जाता है, और सर्दियों में जब यह सुनहरे सफेद रंग का पौधा सूख जाता है तो इसे कटा जाता है और विभिन्न प्रकार के उत्पादों में बदल दिया जाता है। वो हमारे बिहार में नहीं हो, हाँ बनाने के लिए क्या दौरी बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं, हाँ वही है, यहाँ पे इनको सरकंडा क्राफ्ट बोल रहे हैं। हाँ वैसे सामान्य बोलचाल में उसको सरकंडा ही बोल रहे हैं, तो यहाँ क्राफ्ट का नाम दे दिया हो तो पैदा ही होता है हो। और बाघ आर्ट, बाघ आर्ट इज अ आर्ट डन बाय द खादर, खद्दर, इट इज अ रेशमी धागे से बना हुआ एक मोटे सूती कपड़े और शिल्प में ज्यामिति डिजाइन में बनाया जाता है। असम फायरवर्क्स ऑफ क्राफ्ट इन बारपेटा बम्बूज एंड केन क्राफ्ट, सीतालपट्टी क्राफ्ट, ट्रेडिशनल मुगा सिल्क साड़ी, ये तो लाइन वहां भी आप पढ़ ही लिए थे, ये लाइन मुझे लग रहा है वहां पे पेस्ट हो गया गलती से, नहीं 95 या वहां जरूरत था, ठीक है। वाटर हैनिच हैंडीक्राफ्ट असम, फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ द केरला, लास्ट है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कथकली मास्क आप जानते हैं, कथकली डांस है, और कुथमपली साड़ी, क्वायर प्रोडक्ट्स, चले कितना मुश्किल है इंस्पेक्टर बनना, है ना, लेकिन सिर्फ दिमाग का मेहनत है और दिमाग के मेहनत में कुछ कम होता नहीं है, हमारा दिमाग बस ये चाहता है कि नहीं कम से कम मेहनत करना पड़े, नहीं तो जब बिजनेस करेंगे तो आपको
दूसरे के मुताबिक। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए खूब मेहनत कर लीजिए। हाउ मनी मेनी स्पोक्स आर इन द चक्र इन द इंडियन फ्लैग? 24। सेकेंड शायद है नहीं है। अच्छा, पहली बार जनगण मन को कब गाया गया? 1911। बताइए। 1973। किसने कहा था फ्लैग इज नॉट अ ओनली सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ पीपल? आंसर नहीं है, गूगल गूगल करना। ऐसे वर्ड जनरली जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, बाकी क्या कोई भी सकता है। माइक से बोलना तो उठा लेगा। अरे उतने लिखे बोल देगा, दबा के बोल दे एक मिनट में। चलो इसको भी देखेंगे, इस क्वेश्चन को। चरखा को चक्र में कब बदल दिया गया? 1947, आजादी से जस्ट कुछ पहले। कौन सा सही नहीं है? इसको कर देना 2:3 तो ये सही हो जाए। तो वही तो बताना है गलत क्या है। तो गलत क्या है तो तभी गलत होगा, बाकी सब सही है। हाँ, उसने जो प्रूफ रीड करा था उसने समझ नहीं पाया, जैसे तुम लोग नहीं समझ पाए उसने उसको ठीक कर दिया। ये समझ के पाए ना। सफेद रंग क्या शो करता है? जवाहरलाल नेहरू ना, लिख लेना, निशान लगा देना वहां पे। ऐसे क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू ही कहते हैं। है? किस में? ना ना ना, एक्सप्लेनेशन सही है, तुम प्रेशर ले रहे हो। वो जो जो प्रूफ प्रूफ रीड कर रहा था वो भी बेचारे प्रेशर में किया है गड़बड़। व्हाइट रंग, व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स, सत्य की सफेद की तरीके से होता है। तो फ्रीडम किसमें है? 19वीं। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। ये नहीं बताया था डेट, तो क्या आंसर दे रहे हैं? ठीक है, 26 जुलाई 1950। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बनियान ट्री। भारत का राष्ट्रीय फल, ये पेपर ये क्वेश्चन देके आपको खुशी रहेगा, हमें भी आता है जी के, पिकॉक। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पुष्प लोटस कमल। नेशनल मॉन्यूमेंट्स इंडिया गेट। ठीक, हालांकि आएगा ये आगे। वर्ल्ड हेरिटेज एनिमल हाथी 2010। एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन 2010। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। नेशनल गेम ओके। रेप्टाइल किंग कोबरा। राष्ट्रीय मुद्रा बीच वाला ना। ठीक, संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान क्या है? जनगणमन। राष्ट्रध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय प्रतीक को राष्ट्रगीत की रचना संस्कृत में किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी दिया है। ठीक, नेशनल मोटो
सत्यमेव जयते। द इंडियन नेशनल फ्लैग सैफ्रॉन करेज। नेशनल कैलेंडर सक समत। जनगण मन किस रूप में लिखा गया था? बंगाली में। कितने एशियाई शेर हैं? चार। पंपकिन, लेकिन देना इसको चाहिए। हाँ, इसके बिना तो मेस पूरा ही नहीं हो सकता। घरों पे भी यही है। हाँ, बस घरों में थोड़ा प्यार है तो पता नहीं चलता कि सुबह क्या खाए थे, या तो एक हफ्ते पहले याद आता है क्या खाया था उस दिन। राष्ट्रीय कैलेंडर सक संवत। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सत्य कभी कभी जीतता है। ट्रूथ विल ट्रम्प। सत्य पैसे से जीतता है। द चक्रा इज द नेवी ब्लू। तो अब नहीं, बाद वाले फैक्ट क्या हो गए ना, वो टाइम टेकिंग है। ये बेसिकली सब चैप्टर थे अलग अलग, तो मैंने ये कि बच्चों को डर ना पैदा हो जाए। हैं लगभग 100 टॉपिक, तो लेकिन हमने चैप्टर में कर को कम करके चार चार पांच पांच चैप्टर को एक में मिलाते चले गए, तो इसलिए थोड़े से कम दिख रहे हैं। 100 कुछ टॉपिक हैं, 6 के आसपास स्टैटिक में। तो चलिए, आज के लिए आपका यहीं पर सेवा समाप्त करते हैं, और करेंट का भी PPT बनवा के एक दिन डिस्कशन कर ही देंगे। फिर उसके बाद महीने का 3 घंटे बैठा के 300 करेंट खींच देंगे, तो पता भी नहीं चलेगा और रेडी भी हो जाएगा। नहीं, अपने से तो होगा होगा, है नहीं? क्यों अचानक पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई पास वाला बोल देगा कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं। तो आदमी वही चाहता है सुनना। ये चले, ठीक है, थैंक यू।